This woman tries to revive her brother, who is losing consciousness. Balaji Tirupati, the father of two children, died minutes later. Assalamu alaikum dosto, ummeed hai aap sab acche se honge aur aapke roze bhi acche se ja rahe honge. टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है. सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे बातें करते हैं. A capital on its knees, at its biggest hospitals, people being pushed to the limit of human endurance. My husband's in a very bad state, let me get through, this woman says. She's been carrying him around for 10 hours. Many of these people won't survive the night. Sir, for 1 minute, come and look at my mother, a man pleads. A doctor follows him to the ambulance and prepares to say the words he's had to say over and over again in the past day alone. She's no more. Her family, among hundreds in India, denied even the chance of saving a loved one. COVID-19 has hit this country with a ferocity not seen before, but not unexpected either. Balaji! Kahe aise kaile hate? Hey! This woman tries to revive her brother, who was losing consciousness. Balaji Tirupati, the father of two children, died minutes later. His family wanted their story to be heard. There's an acute shortage of oxygen too. Seema Devi died because the ambulance ran out of it. Some hospitals have just a few hours of supply left. वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि कोविड की सेकेंड वेव से कितनी तबाही मच रही है इंडिया में. अगर आपने देखा होगा कि दवाइयाँ नहीं मिल रही है, दवाई लेने में मुश्किल हो रहा है, ना ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है और ना बेड्स मिल रहे हैं. हालत इतनी ख़राब है कि जब अनफॉर्चुनेटली फिर इंसान की डेथ होती है तो जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है. हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब दिल्ली में पार्किंग प्लेसेस को भी क्रिमिटोरियम की शक्ल दी जा रही है. तो ये थी बात इंडिया की. अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो 2 दिन में ऑलमोस्ट 6,000 केसेस आए हैं और ऑलमोस्ट 55 डेथ्स इन 2 डेज. ये हमारे कश्मीर की हालत है कोविड से. अगर हम यहाँ बात करें अपनी स्टेट में, तो यहाँ की मैंटेलिटी जो लोगों की है वो बहुत ही डिफरेंट है. अगर अभी किसी को यहाँ पे हम कहेंगे मैं बाहर जाऊँगा, मैं अभी किसी से बात करूँगा, उसको मैं कहूँगा, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम कहते हैं, हम बोलते हैं किसी को, या आज़ाद रामिद 5 सास केस, वहाँ से जवाब जो सुनने में मिलता है वो ये है कि या ये तो 5 सास केस नहीं आ रहा, ये तेम सिद्ध को किया तो ये 5 सासों से क्या गए. ये हमारी मैंटेलिटी है हमारी स्टेट में. इस वजह से जो सर्ज है कोविड का वो बढ़ रहा है. इसकी वजह यही है कि हम कोविड SOPs फॉलो नहीं करते, हम मास्क यूज़ नहीं करते, हम अगर बाहर जाते हम गैदरिंग्स में जाते, जानबूझ के हम गैदरिंग्स में ही जाएंगे. हम ये ख्याल नहीं करेंगे कि इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है. अब जैसा कि आपको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू की अनाउंसमेंट की है जो थर्सडे इवनिंग से लेकर मंडे सुबह तक रहने वाला है. तो जो ये कर्फ्यू है, ये लॉकडाउन है, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब हम जो है खुद को बदलेंगे. जब हम खुद को बदलेंगे तब जाकर हम अपनी स्टेट को बदल सकते हैं. जब हम खुद मास्क पहनेंगे, जब हम खुद सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, जब हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तब जाकर हमारी फैमिली ये चीज़ें जो है करेगी और तब जाके आगे जो है हमारी स्टेट में चेंज आए. खुद में ये चेंज नहीं लाएंगे तब तक इस लॉकडाउन का कोई भी फ़ायदा नहीं है. उम्मीद है आप तक हमारे मैसेज जो है वो सही तरीके से पहुंच गया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ.